डियर चिल्ड्रन, नवोदय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना बच्चे को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। रीजनिंग और मैथ्स यह ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिमाग का एक ऐसा हिस्सा खोलते हैं जिससे तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। हमारा उद्देश्य बालक के मानसिक विकास को उच्च श्रेणी तक ले जाना है। डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम एंड बी सेफ। अपने हाथों को निरंतर धोते रहें और जब भी हाथ को धोएं तो तकरीबन 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह रख दें ताकि आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई भी वायरस ना बचे। अच्छे से रगड़ के खूब धोएं, फिंगर्स अपनी खूब रब करें। बाहर बिकने वाली हर खाद्य सामग्री, जो भी फूड आइटम बाहर बिकता है, खास करके फास्ट फूड, उसको अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं। और अब चलें एक ऐसी दुनिया में जहां पर सब कुछ उल्टा सीधा है, जहां हर चीज को आपको एक अलग रंग में, एक अलग अंदाज में देखना है, जिसे हम सामान्य भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। और ये नवोदय के एग्जाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। नवोदय एग्जामिनेशन जो होते हैं प्रिपरेशन के लिए 6th क्लास के लिए, उस एग्जामिनेशन का 25% है रीजनिंग। सामान्य हिंदी में इसे तर्कशास्त्र भी बोलते हैं। तर्क लगाना यानी चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में सोचना और अलग अलग तरीके से उन्हें देखना। जैसे हम सपोज करें कि ये पेड़ अगर उल्टा होता तो कैसा लगता। अगर आपका घर जिसकी छत अभी आकाश की ओर है, अगर उसकी जो फर्श है वो आकाश की ओर होती और छत नीचे होती तो कैसा लगता। या अगर आपके बुक को सीधा खड़ा करके उल्टा गिरा दिया जाए तो वो कैसी लगेगी, या आपकी बुक को उस तरफ गिरा दिया जाए तो कैसी लगेगी, या आप खुद टेढ़े हो जाए तो कैसे लगेंगे। किसी भी इमेज को आप देखें तो उसको तत्काल दिमाग में उल्टा सीधा बनाकर जरूर देखें। क्या होगा इससे, इससे एक फायदा तो यह होगा कि आपके ब्रेन की एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी आप किसी भी चीज का एनालिसिस और लोगों से ज्यादा बेहतर करेंगे। आपसे बढ़िया एनालिसिस कोई नहीं कर पाएगा अगर आपने रीजनिंग को सही तरीके से किया है, सही तरीके से आपने चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में देखने का सोचा, हर एक एंगल से सोचा। ये बड़े बड़े डिटेक्टिव जो होते हैं, इनका मेन सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है। अब हम नवोदय प्रिपरेशन के लिए तैयारी करेंगे और रीजनिंग के हर एक उस हिस्से को समझेंगे जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाएगा। जैसे ये आकृति उल्टी है तो कैसी लगेगी, जैसे ये आकृति अगर दाई है तो कैसी लगेगी, बाई है तो कैसी लगेगी, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में। और इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है अपने घर पर इस समय बैठकर। तो जल्दी से दौड़ कर जाइए और अपनी एक कॉपी उठाइए और पेन लेकर आइए, जल्दी से जल्दी। अब हम शुरू करेंगे रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं मिरर राइटिंग। एक ऐसी राइटिंग जो आपको बताएगी कि अगर ए ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, अगर ए ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, और अगर ए ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता। ये सारी चीजें हम मिरर राइटिंग में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले लेटर ए के साथ। सबसे पहले आप ए बनाइए, ऐसा एकदम साफ सुथरा ए बना लीजिए। अब इस ए के साथ हम थोड़ी देर खेलेंगे, देखेंगे कि ये कितने रूप ले सकता है, कितने अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया होता तो ये कैसा कैसा दिखता। सबसे पहले एक काम करिए, इस ए को आईने में इमेजिन कीजिए, मिरर में इमेजिन कीजिए कि ये ए अगर मिरर में होता तो कैसा दिखता। और फिर इमेजिन करिए कि अगर इसको मैं धक्का देके गिरा दूं, इस साइड धक्का देके गिरा दूं तो कैसा गिरेगा, और इस साइड धक्का लेके गिराऊं तो कैसा गिरेगा, और अगर इस बोर्ड के पीछे जाऊं और फिर ए को गिरा दूं तो कैसा लगेगा। इन सब चीजों को आपने इमेजिन करना है और उसके बाद अपने नोटबुक पर बनाकर देखना है। जल्दी जल्दी बनाइए।
बना के देखिए, मैं देखता हूँ फिर आपने कैसा बनाया है और फिर उसको चेक करेंगे मेरे साथ जब मैं इसे बनाऊंगा। बना लिए? वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहले इस ए को अगर मैं मिरर में देखूंगा तो कैसे लगेगा? मिरर मतलब इसको जस्ट घुमा दू या इस बोर्ड को मैं पूरा उल्टा कर दू तो ए तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आना, चाहे आप इसको ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ। लेकिन तुम में से कोई शरारती बच्चा आए और जब से धक्का दे, यहां से इस ए को धक्का दिया बेचारे को, तो ये कैसे बेचारा नीचे के लिए गिर जाएगा? इधर गिर गया। अब तुम में से कोई दूसरा शरारती बच्चा आया, उसने इस तरफ से धक्का दिया, इस तरफ से पुल किया, पहले वाले ने इस तरफ से पुल किया था, इस तरफ से पुल किया, दूसरा आया उसने इस तरफ पुल किया, तो बेचारा ए देखो इस तरफ लुढ़क गया है, लुढ़क गया। अब तुम में से सबसे बड़ा शरारती जो बच्चा था वो चला गया बोर्ड के पीछे और धक्का मारा और सीधा ये बेचारा ऐसा है गया। देखें, पहले हमने इसको बोर्ड को पूरा डाउनलोड किया तो हमें ए ऐसे का वैसा मिला, नो डिफरेंस। फिर हमने से एक बच्चा था शरारती, वो गया उसने इस तरह धक्का मारा और ये बेचारा ए इधर गिर गया, गिर गया ये देखें इस तरह गिर गया। फिर दो में से कोई दूसरा शरारती बच्चा था, वो इस तरह गया और इधर से धक्का मारा तो बेचारा ए इधर गिर गया। फिर तुम में से कोई शरारती बच्चा था, वो सबसे शरारती था, सबसे शरारती, उसने धक्का दिया तो ये उस तरफ से इधर गिरा, तो ये रहा उसका तीसरा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि एक कितने तरीकों से गिर सकता है। देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, पेड़ पेड़ को हम इधर गिरा देंगे तो क्या होगा? बेचारा इस तरह गिर जाएगा, इधर से फोर्स करेंगे इधर गिर जाएगा, और फिर अगर इधर से फोर्स करेंगे तो किधर गिरेगा? देखिए ये इधर गिर जाएगा पेड़। तो पहला वाला ये था और दूसरा वाला ये है। अब कोई शरारती बच्चा है, सबसे शरारती बच्चा, वो इस तरह गिरा दे, ये देखिए हर एक चीज उल्टी बना सकते हो, हर एक डायग्राम उल्टा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सब कर। अब आप लोगों की ड्यूटी है पहले आज अपने मम्मी पापा की आप एक डायग्राम बनाएंगे और उसको उल्टा सीधा कर देंगे घर पर बैठ के आराम से, ठीक है? अब चलते हैं बी की तरफ। मैं आप लोगों को आज पूरे अल्फाबेट्स करवा दूंगा, पूरे अल्फाबेट्स, लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान से सुन लो। मैं तो फटाफट लिख दूंगा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप मेरे साथ में सोचें और पहले आप बनाएं और उसके बाद मैं बनाऊंगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब मैंने बनाया बी, देखिए बन गया बी। अब इस बी को आप लोगों को इमेजिन करना है, फर्स्ट पुश लेफ्ट साइड से, सेकंड पुश राइट साइड से, और वो तीसरा बच्चा जो शरारती है जो बोर्ड के पीछे जाता है उधर धक्का दे देता वो भी, ठीक है? तो आप ये तीनों के तीनों बनाइए जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बनाइए फटाफट, देर नहीं लगाना। पहला पोश, फिर सेकंड पोश, फिर थर्ड पोश, और जब ये हो जाए तो फिर मैं जो बनाऊंगा उससे आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। चलिए पहला देखिए, पहला पुश बी को पड़ेगा, इस तरफ जाएगा बेचारा ना, ये देखो ये गिर गया बेचारा, ये पहला पुश था। इधर वाला पुश पड़ेगा तो किधर जाएगा? ये दूसरा पुश है, ये पहला पुश था, ये दूसरा पुश है। अब वो एक शरारती था, वो उधर से गिरा। तो देखो ये चीज याद रखना, ये ऐसा का ऐसा इमेजिन करना ही, आप में से कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं पर नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रहे। ये मुझसे शायद मिस्टेक हुआ है, ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है? अब देखिए ये वाला जो बी है, आप में से कुछ लोगों ने क्या ऐसा बना दिया, बनाया क्या किसी ने? अगर बनाना है तो उसको काट दीजिए, क्योंकि आप तो इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो बेचारा ऐसे का ऐसा गिरेगा ना,
देखिए नो डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। जब तीसरा पुश हुआ आप शरारती बच्चा परेशान हो गया कि उसने कुछ बिगाड़ा ही, वो तो वैसे का वैसे गिर गया। ठीक है अब देखते हैं सी पर क्या है। फटाफट सी आप लोग बनाइए, एक काम करो जल्दी जल्दी सी बनाओ, सी बनाओ क्लियर एकदम ऐसा सी बनाओ। और वही फर्स्ट पुश, सेकंड पुश और थर्ड पुश। पहला पुश जब इस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा इधर से घूमेगा तो इधर होगा, होगा क्या? और इधर से घूमेगा तो किधर होगा? इधर से घूमेगा तो इधर, हाँ एग्जैक्टली। अगर हम इसको ऐसे पुश करेंगे तो किधर जाएगा? ऐसा ही जाएगा, ये वाला भी इधर ही जाएगा और ये वाला भी इधर ही जाएगा। तो ये फर्स्ट पुश या सेकंड पुश जो भी आपको लेना ले लीजिए। थर्ड पुश में जब ये जाएगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्लियर हुआ? तीनों पुश, दो पुश एक जैसे, तीसरा पुश अलग है, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट गिरा है। अब बी का चेंज नहीं हुआ था, सी चेंज हो गया। डी पर देखेंगे, डी पर देखेंगे, ये है डी, फिर से पहला पुश, फिर से दूसरा पुश और फिर से तीसरा पुश। जब पहला पुश हुआ तो ये गिरा किधर के लिए? इधर के लिए, ठीक है। और जब दूसरा पुश हुआ तो ये गिरा इधर के लिए, क्लियर है? और जब तीसरा पुश हुआ तो क्या चेंज होगा कुछ? क्या चेंज होगा कुछ? नहीं, तीसरे पुश में कोई चेंज नहीं होगा। ये दूसरा पुश है, ये पहला पुश और ये तीसरा पुश, ऐसे आप देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट बनाता रहता हूं और उसको आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये मैंने बनाया है ई, ई का मिरर कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, होगा। ई को पहला पुश देंगे इधर से तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ई को ये इधर से पुश दिया, ई को अगर ऐसा पुश दे दे तो बेचारे के तो हाथ पैर ऊपर हो जाएंगे ना, पीठ के बल गिरेगा। इस वाले पुश में मुंह के बल गिरा और इस वाले पुश में पीठ के बल गिरा, क्लियर है? ऐसे ही एफ देखिए, एफ तो लगभग ई जैसे ही है, एफ तो लगभग ई जैसे ही है, इसका मिरर आ गया ऐसा। पहला पुश मुंह के बल गिर गया, दूसरा पुश जो है पीठ के बल गिरा। फिर देखिए जी, जी पर अपोजिट कैसा बना? ऐसा, पहला पुश दिया तो क्या होगा? पहले पुश में यहां से धक्का दोगे पहला पुश में तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। और अगर इसको हम इधर से पुश करें, सेकंड से इधर पुश करें तो क्या होगा? ये ऐसा होगा, क्लियर हुआ? तो ये है आपका फर्स्ट पुश और ये है आपका सेकंड पुश, ठीक है। अब हम चलेंगे एच की तरफ, एच की तरफ सिंपल। एच का मिरर कैसा होगा सर? बिल्कुल वैसे ही होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। एच का फर्स्ट पुश कैसा होगा सर? ऐसे ही होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा सर। एच का सेकंड पुश कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। ये फर्स्ट पुश है, ये सेकंड पुश है और ये उसका मिरर है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा ना। तो इसके देखो सबसे पहले चीज समझो कि जिसके मिरर में कोई चेंज नहीं आएगा डेफिनेटली उसके फर्स्ट और सेकंड पुश में भी चेंज नहीं आएगा, ये ट्रूथ है, ठीक है। जिसके मिरर में चेंज है डेफिनेटली उसके फर्स्ट पुश और सेकंड पुश में भी चेंज आएगा 101%। ऐसा इम्पॉसिबल है कि अगर उसके मिरर में चेंज नहीं आया है तो उसके
इसमें चेंज आ जाए फर्स्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट में, और ऐसा भी इम्पॉसिबल है कि अगर उसका मिरर चेंज हुआ है और उसके फर्स्ट पोस्ट और सेकंड पोस्ट में चेंज नहीं हुआ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आई में, ये मैंने बनाया आई, अपोजिट कैसा होगा मिरर का? सर ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस, तो इसके क्या इसमें चेंज आएगा फर्स्ट पोस्ट और सेकंड पोस्ट में? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए ये हमने फर्स्ट पोस्ट लिया तो ये इधर गिरा ना ऐसा गिरा, और जब सेकंड पोस्ट लिया तो किधर गिरा? वैसा का वैसा गिरा। देखो कोई चेंज नहीं है, अलग चेंज फर्स्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट। अब इस तरीके से जी को देखिए, जे जे का मिरर चेंज हो रहा है। अब देखिए जे का मिरर चेंज हो रहा है, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। इसको यहां से इधर घुमाया है, इसका ये मिरर स्लॉट है, जब ये इधर घुमा तो चेंज हो गया, तो डेफिनेटली अब चेक करते हैं कि क्या इसका फर्स्ट पुश और सेकंड पुश चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सर इस तरफ धक्का देंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, इधर से धक्का दिया तो देखिए इमेजिन करिए दिमाग में कि मैं इधर से धक्का दिया तो ये ऐसा गिरेगा और इसका जो ये वाला सेक्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा। सर इस तरफ धक्का देंगे तो क्या होगा? ये ऐसा गिरेगा और ये कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आपने किधर से धक्का दिया इसको? पीछे की ओर से। ये इसका सेकंड पुश हो गया, ये इसका फर्स्ट पुश हो गया। ऐसे के, अब देखिए के का मिरर तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा सोचिए। और आपको एक बता दूं बात, साथ में याद रखनी चाहिए कि जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नवोदय में तो सबसे ज्यादा आकृतियों के बीच में के मिलता है, के कॉम्प्लिकेटेड है, के सबसे ज्यादा मिलेगा। देखते हैं कैसे। ये है के, ठीक, के का मिरर, ठीक, के का फर्स्ट पुश देखते हैं तो क्या हुआ? के का फर्स्ट पुश ऐसा, के का सेकंड पुश देखते हैं तो क्या हुआ? इधर से धक्का दिया ऐसा। चार बिल्कुल अलग अलग आकृति, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये एक इल्यूजन पैदा करता है, आकृतियों के बीच में थोड़ा सा के डाल देते हैं ओ के साथ, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होता, ओ चेंज होता नहीं है और के चेंज होता है, तो दोनों के बीच में काफी कॉम्प्लेक्शन है, तो उस कॉम्प्लेक्शन के कारण सोचने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब के बाद जितने भी लेटर्स हैं ये आपको खुद बनाने हैं घर पे, ये आपका होमवर्क है, इसको बेहतरीन तरीके से बैठ करके आराम से अपने घर में सोचिए विचारिए कि सर ने कहा था कि वो पेड़ उल्टा करके देखता हूँ, फिर कोई किसी डायग्राम को उल्टा कर दीजिए, फिर कोई किसी चीज को उल्टा कर दीजिए, ऐसे ही बनाते रहिए। लेकिन होमवर्क यह है कि के बाद जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद फिर मिलेंगे एक नई टेक्निक के साथ में, अभी के लिए अलविदा।